टू लर्न टुगेदर और मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार स्पेशल बिहार स्पेशल में राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार को हम लोग देखेंगे तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए आइए देखते हैं अपने इस वीडियो को देखेंगे हम लोग युवराज की यात्रा का बहिष्कार यानी कि युवराज की यात्रा जो है वो भारत में होती है यानी बिहार में होती है और इसके बाद से देखा जाए तो उनकी यात्रा का बहिष्कार भी किया जाता है तो 22 दिसंबर 1921 को 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन पटना में हुआ और जिस दिन इनका आगमन पटना में हुआ उस दिन पटना में हड़ताल मनाया गया इसके बाद देखा जाएगा कि असहयोग आंदोलन जब अपने चरमोत्कर्ष पे था तो उस समय 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया गांधी जी कभी भी नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी आंदोलन हिंसात्मक हो लेकिन चौरी चौरा कांड जो था वो एक हिंसात्मक तरीके से किया गया था तो इस प्रकार से उन्होंने इस घटना से दुखी होकर के और क्या किया था कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था चौरी चौरा कांड क्या है ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें क्या किया गया था कि गोरखपुर के पास में थाना यानी कि चौरी चौरा नामक जगह पर एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी हिंसक भीड़ के द्वारा जिसमें कई सैनिक यानी कि कई पुलिस सिपाही मारे गए थे जिंदा जल गए थे तो इस प्रकार से गांधी जी कभी भी नहीं चाहते थे कि उनका यानी कि जो भी आंदोलन हो वो हिंसात्मक हो लेकिन ये हिंसात्मक हो गया था तो इसलिए उन्होंने 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी के आंदोलन को स्थगित कर दिया इसी बीच में अगर देखा जाए तो 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया 5 फरवरी 1922 को ये आंदोलन को स्थगित करते हैं और 10 मार्च उन्नीस 19... 22 को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके बाद इसी में देखा जाएगा कि 26 जुलाई 1922 को मौलाना मजहरुल हक को भी क्या कर लिया जाता है गिरफ्तार कर लिया जाता है यानी कि सदाकत आश्रम से जो वो मदर लैंड मदरलैंड लैंड नाम का अखबार का जो प्रकाशन कर रहे थे तो उस प्रकाशन में कुछ लेख के कारण इन्हें क्या किया गया था गिरफ्तार कर लिया गया था उधर देखा जाए तो अब इन सभी घटनाओं के कारण बिहार में जो था वो अब आंदोलन की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और उधर तुर्की में भी स्वयं मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खिलाफत आंदोलन का अंत कर दिया था कमाल पाशा वहाँ के खलीफा थे और इन्हीं के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे और इन्होंने खुद ही तुर्की में खिलाफत आंदोलन को क्या कर दिया था इसका अंत कर दिया था आंदोलन का सबसे व्यापक प्रभाव जो है वो तत्कालीन मुजफ्फरपुर और शाहबाद ज़िले में देखने को मिला ब्रिटिश सरकार ने असहयोग के क्रम में ही फुलवारी में मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत सरिया की संस्था का गठन हुआ और इसमें अगर देखा जाए तो किन किन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसकी अगर बात की जाए तो भागलपुर में दीप नारायण सिंह ने मुंगेर जिला में मोहम्मद जुबैर ने और मुजफ्फरपुर में मोहम्मद शफी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अब देखेंगे स्वराज दल को तो स्वराज दल को यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में गया नगर में हुआ था 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था बिहार में हुआ था बिहार के गया नगर में हुआ था और इसके अध्यक्ष देश बंधु चितरंजन दास से बनाए गए थे इसके आगे की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने तथा इसके बहिष्कार को जारी रखने के मुद्दे पर बहस हुई और निर्णय के तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्वराज दल को देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर देखते हैं कि 1922 के कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें ये अधिवेशन जो हुआ था ये बिहार के गया नगर में हुआ था और इसके अध्यक्ष देश बंधु चितरंजन दास बनाए गए थे देश बंधु चितरंजन दास बनाए गए इसके आगे की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम पाएंगे कि इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने या इसके बहिष्कार को जारी रखने के मुद्दे पर बहस हुई और निर्णय बहिष्कार के पक्ष में हुआ फिर भी कुछ प्रमुख नेता जैसे मोतीलाल नेहरू थे चित्रंजन दास थे इनके द्वारा विधायिक ये लोग विधायिका में प्रवेश करने के पक्ष में थे जिसके फलस्वरूप स्वराज पार्टी का गठन हुआ और बिहार में स्वराज पार्टी का गठन जो है वो 1923 में हुआ था बिहार में स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ जिसके अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद बनाए गए और सचिव अब्दुल बारी बनाए गए थे इसकी आरंभिक बैठक यानी कि प्रथम बैठक जो हुई थी प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद बनाए थे और आरंभिक बैठक इसकी दो जून की हुई थी जो कि पटना में हुआ था तो बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 सौ ईस्वी में फरवरी 1923 में हुई थी और इसके बाद इसकी आरंभिक बैठक 2 जून को पटना में किया गया था इसके बाद देखा जाए तो नवंबर 1923 में विधानमंडल में हुए आम चुनाव में विधानसभा को आठ और विधान परिषद को दस स्थान प्राप्त हुए थे और इस प्रकार से देखा जाए तो ये जो स्वराज पार्टी है ये बिहार में कुछ है। ज़्यादा कारगर नहीं रही और 1923 के अंत तक इसकी विफलता को बिहार में देखा जा चुका था साइमन कमीशन को देखेंगे अब तो यहाँ पर देखेंगे कि 1928 में साइमन आयोग का भारत में आगमन हुआ साइमन कमीशन जो है ये भारत में 1928 में आया और उसके बाद देखा जाए तो ये क्यों आया था तो सर जॉन साइमन पर आधारित यह एक सदस्यीय आयोग था ये क्या था तो सर जॉन साइमन यानी उनका नाम था सर जॉन साइमन और ये एक सदस्य मात्र इसमें एक साइमन ही थे एक सदस्यीय आयोग था जो कि भारत में फोर्ट सुधार जो कि 1919 में आया था उसकी प्रगति के जांच के लिए संगठित हुआ था तो ये मॉन्ट्स फोर्ट सुधार के जांच के लिए यहाँ पर आया था अब इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रवादियों ने ये निर्णय लिया कि इसका बहिष्कार किया जाएगा बिहार में भी यही कहा गया कि इसका बहिष्कार किया जाएगा यानी कि पूरे भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया तो यहाँ पर देखते हैं कि अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए नौजवानों को संगठित करने और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई कहा गया कि साइमन जब आएगा तो उसका क्या किया जाएगा कि विरोध किया जाएगा ऐसा योजना बनाया गया तो इसके लिए नौजवानों को भी अब संगठित किया जा रहा था 12 दिसंबर को ये आयोग पटना पहुंचा। 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना पहुंचा और इसके विरुद्ध यहाँ पर प्रदर्शन हुए पटना में इसके विरुद्ध क्या हुए प्रदर्शन हुए काले झंडे दिखाए गए यानी कि विरोध का झंडा दिखाया गया और इसके बाद इस आयोग का बहिष्कार भी किया गया तो पूरे भारत के साथ साथ बिहार में भी क्या किया गया साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को तो इसमें क्या चीज है सविनय यानी कि विनम्रता पूर्वक अवज्ञा कर रहे हैं हम लोग यानी कि विरोध कर रहे हैं तो ये आंदोलन था तो सविनय अवज्ञा आंदोलन अब इस आंदोलन को देखा जाए तो यह राष्ट्रीय आंदोलन का अगला महत्वपूर्ण चरण कौन सा था तो सविनय आंदोलन था। इसका प्रस्ताव उन्नीस में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी रखा गया था और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का फैसला भी किया गया था तो इस क्रम में 26 जनवरी 1930 से से स्वाधीनता दिवस मनाने का क्रम प्रारंभ हुआ और बिहार में भी 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस बड़े जोर शोर से मनाया गया और छात्रों ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाया था इसके आगे देखा जाए तो कांग्रेस के नेताओं द्वारा प्रांतीय विधायिका से भी त्याग पत्र दिया गया 12 मार्च को 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपनी डांडी यात्रा प्रारंभ की और 5 अप्रैल को समुद्र के जल से नमक बना करके नमक कानून का इन्होंने क्या किया उल्लंघन किया अब आइए देखते हैं बिहार में इसे तो बिहार में क्या किया गया तो बिहार में भी नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 15 अप्रैल 1930 को हुआ ये पर प्रारंभ हुआ तो चंपारण और सारण में नमक बना करके प्रारंभ किया गया तो ज़रा देखा जाए कि गांधी जी डांडी गए हैं तो वहाँ पर तो समुद्र के जल से नमक बनाया गया लेकिन बिहार में चंपारण और सारण में किस चीज़ से नमक बनाया गया तो यहाँ पर नमकीन मिट्टी से नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन किया गया इसका मतलब ये था कि तुम्हारा यानी कि अंग्रेजों का नमक भी हम नहीं लेंगे इस प्रकार से बहिष्कार किया गया था तो इसलिए नमक बना करके नमक कानून और नमक सत्याग्रह को आगे बढ़ाया गया था और नमक पर जो टैक्स लगता था तो उसके लिए भी इस चीज़ को क्या किया गया था कि नमक सत्याग्रह किया गया था क्योंकि नमक पर भी टैक्स लिया जाता था सत्याग्रह का प्रसार अगर देखा जाए बिहार में तो मुजफ्फरपुर पटना शाहबाद आदि क्षेत्रों में हुआ और इस क्रम में चार मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी भी हो गई जिसके विरोध में जन प्रदर्शन भी किया गया आगे देखते हैं कि 9 मई 1930 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों के आगे धरना देने का प्रस्ताव रखा यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का क्रम इतना बढ़ गया कि सारण जेल के जो कैदी थे उन लोगों ने भी विदेशी वस्त्रों को पहनने से इनकार कर दिया और विदेशी वस्त्रों को जब पहनने से उन लोगों ने इनकार कर दिया तो उन्हें स्वदेशी वस्त्र अब नहीं मिला जब नहीं मिला तो उन लोगों ने नंगे रहने का निश्चय किया कहा कि जब तक हमें स्वदेशी वस्त्र नहीं मिलेगा तब तक हम नंगे रहेंगे तो इस प्रकार से उन लोगों ने नंगा हड़ताल किया था जिससे मजबूर होकर के सरकार को उन्हें स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध कराने पड़े थे तो वो लोग स्वदेशी वस्त्र उसके बाद से धारण किए थे इसी क्रम में मई 1930 में पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष सर अली इमाम को बनाया गया इसके बाद देखेंगे कि इस आंदोलन के क्रम में बिहार में चौकीदारी कर इसी आंदोलन में अब बिहार में चौकीदारी कर को भी बंद करने के लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ और इसमें देखा जाए तो सारण चंपारण शाहबाद पूर्णिया मुंगेर पटना तथा अन्य जिलों के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया यानी कि सरकार के द्वारा 30 जून 1930 को क्या किया गया कि इसको अवैध संगठन घोषित कर दिया गया कांग्रेस को बताया गया कि कांग्रेस जो है ये एक अवैध संगठन है इसके बाद 5 जुलाई 1930 को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें छह माह की कैद हुई फिर देखा जाएगा तो 5 मई 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है और इसी क्रम में हम लोग देखेंगे तो ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं के बीच में गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें हम सभी जानते हैं कि सवाल पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भारतीय नेता उपस्थित थे तो बी आर अम्बेडकर उपस्थित थे और कांग्रेस ने किस सम्मेलन में भाग लिया था तो दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था जो कि 1931 के गांधी इरविन समझौता के बाद जो सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था और इसकी इसमें गांधी जी प्रतिनिधि बन कर के गए थे कांग्रेस के तरफ से तो 5 मई 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ जिसमें कांग्रेसी नेता की रिहाई अब आरंभ हो गई और इसके साथ साथ आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था इसको स्थगित कर दिया गया इसके बाद देखा जाएगा तो अब इसी में ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं के बीच में गोलमेज सम्मेलन हुआ जो कि विफल रहा इसका कोई निर्णायक चीज नहीं सामने आया और फिर उसके बाद 4 जनवरी 1932 को राजेंद्र प्रसाद ब्रजकिशोर प्रसाद और कृष्ण बल्लभ सहाय आदि को बंदी बना लिया गया तो ये क्यों बंदी बनाया गया क्योंकि गोलमेज सम्मेलन जब असफल रहा तो इसके बाद गांधी इरविन के बीच में जब गोलमेज गांधी इरविन समझौता हुआ तो इसके बाद से आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और आंदोलन को स्थगित किया गया तो इससे कांग्रेस नेताओं का रिहाई अब शुरू हो गया लेकिन वहीं जब ये सब गोलमेज सम्मेलन तीनों गोलमेज सम्मेलन जब समाप्त हो गया और ये गोलमेज सम्मेलन विफल रही तो फिर से आंदोलन को प्रारंभ कर दिया गया जिसके फलस्वरूप चार जनवरी उन्नीस को राजेंद्र प्रसाद ब्रजकिशोर प्रसाद और कृष्ण बल्लभ सहाय आदि को बंदी बना लिया गया पुनः छब्बीस जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया गया जिसमें सरकार ने बहुत ही गंभीर प्रकार की दमनकारी नीति को अपनाया जिसमें कि मोतिहारी गोलीकांड में कई लोग मारे गए इसी में देखा जाए लगभग इसी समय लगभग इसी समय में रेमजो मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अनुदान के विरुद्ध हरिजनों के उद्धार के लिए गांधी जी ने आह्वान किया ये वही सांप्रदायिक चार्ट है जो रेमजे मैकडोनाल्ड लेकर के आए थे और जिसके लिए पुनः समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था तो इस प्रकार से देखा जाएगा तो इसके लिए इन्होंने आह्वान किया बिहार में हरिजन सेवक संघ के कई शाखाएं खोली गई और इसके बाद 12 जुलाई 1933 को गांधी जी ने सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का अब प्रस्ताव रखा सात अप्रैल 1934 को गांधी जी ने पटना में अपने एक वक्तव्य में आंदोलन को स्थगित करने की सलाह दी क्योंकि अब लंबा समय हो गया था आंदोलन को स्थगित करना था तो आंदोलन को स्थगित करने की सलाह दी इसके आगे देखा जाए तो 18 मई को बिहार में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका समर्थन किया और बिहार में आंदोलन को स्थगित कर दिया गया बिहार में जब आंदोलन को स्थगित किया गया तो इसी बीच में देखा जाएगा कि इन्हीं दिनों बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का भी गठन हुआ और इसके बाद 1927 में पटना में पटना युवा संघ की स्थापना हुई जिसका ब्रांच बिहार में उन्नीस तक कई जिलों में फैल चुका था तो इस प्रकार से सभी अवज्ञा आंदोलन को हम लोग देख लिए इसके आगे की चीज को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे धन्यवाद